एक औषधि के बारे में भागवत जी कहते हैं और भी महत्व की है, दालचीनी। दालचीनी के बारे में भागवत जी कह रहे हैं कि वायु के जितने भी प्रकोप हैं, जैसे दमा, अस्थमा, ये वायु की बीमारियां, अस्थमा, दमा, वात की बीमारियां वायु की, तो इनको खत्म करने में या समाप्त करने में या इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दालचीनी। और दालचीनी के बारे में भागवत जी कहते हैं कि ये दमा अस्थमा इनको तो खत्म करेगा ही, वात के सब रोगों को खत्म करेगा, कफ के रोगों को भी खत्म करता है। कफ के रोग आप समझते हैं, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, मोटापा है, वजन बढ़ना, ये सब कफ के रोग हैं। तो इनमें भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे, उतना ही इस पर भी है कफ की। तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। दालचीनी आप सब जानते हैं, आसानी से आपको पहचान में भी आती है। बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में। कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो छाल जैसी है वो डाल, वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है। और दालचीनी के बारे में भागवत जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड़ के साथ इसको खूब घिसिए, रगड़िए, ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड़ मिले, फिर खाइए, फिर पीछे से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अद्भुत परिणाम। और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मर्दन, मर्दन एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मर्दन माने घिसना, रगड़ना। तो वो कहते हैं कि खूब रगड़ करके, मर्दन करके शहद में ऐसे 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 5-7 मिनट, फिर चाटिए और थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए, तो आपके शरीर के कम से कम तो 50 रोग ये अकेला दालचीनी खत्म कर देगा, कम से कम 50, कफ के रोग और वात के रोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने रसोई में है। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, रसोई से बाहर निकलता हूं, क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलूं तो और 3-4 दिन जाएगा। आपको और ज्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है जो रसोई घर पर ही केंद्रित है जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा, और एक दूसरी है सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाइए। भागवत जी के ही सारे सूत्र हैं। बस इतना ही हमने किया है कि भाषा थोड़ी सरल की है और उपयोग आप कर सकें आज के समय में, उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है। लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परीक्षण करके लिखे गए, 6-7 साल हमने खूब परीक्षण किया है, परिणाम मिले हैं तभी उनको लिखा है, ताकि किसी को फायदा तो हम दें अच्छा है, नुकसान किसी का ना हो हमारे कहने और करने से। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने ला इलाज बता दिया हो या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेरा बसी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप
या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें